हेलो दोस्तों, हैप्पी वुमेंस डे। तो आज का ब्लॉग जो है ये शाम को मेरे मायके से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हैं हमारे बहुत ज़्यादा पुराने मेरे गांव के टेलर हैं। ये बहुत अच्छे सी कपड़े वगैरह सीते हैं, स्टिचिंग इनकी बहुत अच्छी है। तो मैं और गैरी यहाँ पे कुछ कपड़े जो हैं वो सिलवाने के लिए मायके आए थे, और मायके मैं रुक गई फाइनली आज, क्योंकि गैरी चले गए थे, उनको जाना ज़रूरी था। तो मैं एक रात यहाँ पर रुक गई। और ये है मॉर्निंग का दृश्य, देखिए एमरोज और मेरे दादाजी जो मिल के एक साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, कितनी मस्ती कर रहे हैं ना, आप लोग भी देखिएगा। और एमरोज के साथ साथ मेरे दादाजी का भी बचपन जो है वापस आ गया है। वो थोड़ी सी ज़्यादा उम्र के हैं, लेकिन उनके भी बचपन उनके साथ मतलब अच्छा लगता है, मस्ती करते हैं, तो देखने में हम लोगों को भी बहुत खुशी होती है। मम्मा यहाँ पे सुबह का नाश्ता जाने के आलू वाले परांठे बना रहे हैं, और यहाँ पर मैं जो है मेरे दादाजी को खाना देकर दे रही हूँ, और एमरोज को भी खाने के लिए दे रही हूँ, और साथ ही साथ मैं चाय बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ। तो हमारे गांव में ना पानी जो पीने वाला पानी होता है वो इस तरह से बर्तनों में इकट्ठा करके रख लेते हैं, क्योंकि ये जो पानी है ये अलग से सरकार की तरफ से आता है, तो इसको संभाल के रख लेते हैं, और फिल्टर का पानी जैसा ही होता है। और यहाँ पे जो खाना है वो एमरोज को मैं खिला रही हूँ, मेरे सारे काम निपटा लिए हैं। एमरोज को भी मैंने मालिश करके नहा के सुला दिया है, और अभी मैं जल्दी से लगी हूँ काम निपटाने। यहाँ पे ना मम्मा के कपड़े वगैरह जो धुले हुए थे वो भी इसी तरह से यहाँ पे बेड के ऊपर मम्मा ने रखे हुए थे। तो मैंने सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मम्मा के पास तो इतना टाइम नहीं रहता, अकेली रहती हैं वो, तो अकेले उनको मतलब उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, उनकी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं रहती, वो हार्ट पेशेंट भी हैं, और अकेले क्या क्या बंदा करे, है ना। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं जल्दी से थोड़ा सा जितना मेरे से हो पाए तो मैं जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह जो है वो सेट कर रही हूँ, और थोड़ी सी डस्टिंग कर रही हूँ, और चादर वगैरह सेट की है। तो मतलब ज़्यादा तो नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैं जितना हो पाया मुझे भी, क्योंकि मेरा भी सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन मतलब मम्मा की मैंने सोचा थोड़ी सी हेल्प करनी ही चाहिए। और हम जो बेटियां होती हैं ना, ये बेटियां अपने मायके में जो है वो आराम करने के लिए जाती हैं, लेकिन फिर भी मम्मा को देख के बोल काम करने ही लग जाती हैं ना। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है, तो आप लोगों के साथ भी अगर होता है तो मुझे ज़रूर बताना। आप लोग मायके में जाने में तो मतलब कि ऐसा होता है कि हाँ हम लोग आराम फरमाएंगे वहाँ पर, लेकिन काम तो फिर भी अपने आप ही वहाँ पर एक एनर्जी आ जाती है कि हाँ काम करना है, है ना। तो अपना घर होता है यहाँ पे, हम लोगों ने पूरी अपनी ज़िंदगी पहले शादी के वक्त का वहाँ पे टाइम गुजारा होता है, तो वो सारी यादें अच्छी लगती हैं। और बस यहीं पे मैं अपनी अभी झाड़ू लगाने लगी हूँ, तो झाड़ू भी मैं मम्मा से इतना नहीं हुआ पा रहा होता है अभी, उनकी पता नहीं क्यों उनका सर में रोज़ बोलती हैं मेरे सर में रोज़ दर्द होता है। मेरे भी सर में हालाँकि होता है दर्द, लेकिन उनके कंटिन्यूसली होने लगा। डॉक्टर के पास भी वो जाने की ना मतलब कभी कभी वैसे ही कर देते हैं कि नहीं डॉक्टर के पास कौन जाएगा, उनको ना थोड़ा सा ये भी दिक्कत आती है कि मुझे कौन लेके जाएगा, उनको सफ़र वगैरह करना मुश्किल हो जाता है। तो हम जब कभी कभार आते हैं, जब भी टाइम मिलता है तो हम आ जाते हैं। अभी तो मेरी बहन का भी चलो जो उनके हस्बैंड है वो भी आ जाते हैं अभी थोड़ा सा मतलब जब भी, लेकिन प्रॉपर ये है कि वो खुल के कभी बोलती भी नहीं है मेरे मम्मा ना कि हाँ अभी उनको ज़रूरत है तो आ जाओ आप लोग मेरी हेल्प मतलब मुझे कहीं पे ले जाओ, वो किसी को बोलती नहीं, उनकी ये आदत है। मैं उनको बोलती थी मम्मा बता दिया करो अगर कुछ भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो, मतलब हमारा ये लोग हमारा तो ये सब करने का फ़र्ज़ बनता है ना। तो यहाँ पे मैं जो है सुबह के जो है बर्तन वो धो रही हूँ, साथ ही साथ हम लोग बर्तन जो है निपटाते जाते हैं। और अभी थोड़े से ही बर्तन रह गए थे, सुबह मैंने पहले बर्तन जो है वो धो दिए थे। और यहाँ पे बर्तन धोने के बाद मैंने बोला कि टेबल जो हैं कुछ वो थोड़े से मुझे लगे थे कि वो धोने वाले हैं, क्लीन करने वाले हैं, तो उनके ऊपर ना चाय वगैरह मुझे लगा कि दाग वगैरह धब्बे लगे हुए हैं। तो मैंने एक टेबल, मैंने सोचा क्या एक टेबल को धोना, जितने हैं सभी के सभी निकाल के धो देती हूँ, क्योंकि मतलब ये कौन सा रो धुले जाते हैं। तो जब भी मेरा चक्कर लगता है तो ऐसे जो छोटे मोटे काम होते हैं जो रोज़ रोज़ नहीं होते तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो वो वाले मैं कर लेती हूँ। तो
तो हमेशा की तरह ये वाला ब्लॉग भी कुछ अलग है, गांव का मैं आपको लाइफ दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। और हाँ, आप लाइक करना भूल जाते हो, लाइक कर दीजिएगा और जो कि बिल्कुल फ्री है। और अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे ना इस वक्त मौसम बड़ा अच्छा है, ना ही ज़्यादा गर्मी है ना ही ज़्यादा सर्दी है, तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे काम करने का भी। तो साथ ही साथ यहाँ पे अभी मुझे गाँव की पूरी फुल ऑन फीलिंग आ रही है कि हाँ, गाँव में मन लग जाता है ना कि पहले इसी तरह से हम थे, एकदम से फिर शादी के बाद हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे मैं ना मम्मा का ही सूट डालने लगी हूँ, प्रेस करने लगी हूँ, क्योंकि मेरे पास जो अभी मैंने पहना हुआ है आपने वो भी देखा ही होगा, ये एक साल पुराना सूट है मेरा, ड्रेस जो भी डाला हुआ है मैंने, लेकिन मेरा वेट इतना ज़्यादा गेन हो गया। आपने लास्ट जो मेरा ब्लॉग था उसमें देखा ही होगा कितना वेट गेन हो गया है मेरा, तो इस वजह से ना बस मेरे कुछ नहीं आता तो मुझे छोटे छोटे लगते हैं, तो इसलिए मम्मा का सूट डालने लगा हूँ। यहाँ पे भुआ जी हैं हमारे सामने वाले आंटी जी, वो पल्ली सी रही हैं, बोरियाँ होती हैं ना जो बोरियाँ, उनको इकट्ठा करके इस तरह से थैले जो होते हैं थैलों को इकट्ठा करके पल्ली सी रही हैं। और यहाँ पे हम रोज़ और मम्मा की मस्ती चल रही थी, दादाजी उधर चाय पी रहे हैं। और ये देखिए, ये सिलाई भी नहीं सीने देती है ना, वो साथ में आके उनको बोल रही है कि मुझे करना है। तो यहाँ पे मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सूट जो मैंने डाला है मम्मा का ही डाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी तैयारी करके नहीं थी आई, ये बहुत ही ज़्यादा इस तरह से है खुला डुला सा, सो प्लीज़ डोंट माइंड, मेरे पास कोई और सूट नहीं था, है जो वो मेरे टाइट हो चुके हैं और इसलिए मैंने मम्मा का ही डाला है, सो प्लीज़ मैनेज कर लेना। और गांव की फीलिंग बहुत ही अलग सी होती है, अच्छी होती है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये जो फीलिंग है वो प्यारी लगेगी, अच्छी लगेगी, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, मुझे तो बहुत मन करता है और वापस जाने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मतलब जब भी ऐसा होता है ना कि हाँ गाँव यहाँ पे आ जाऊँ, तो मुझे मतलब ऐसा होता है कि बस अभी मेरे पतिदेव जो हैं वो मुझे बोल दें कि हाँ ठीक है तुम एक दो दिन रह जाओ, लेकिन मुश्किल से ऐसा कभी आता है कि मुझे रहने में परमिशन मिलती है। तो ये ना मेरी सिस्टर का दुपट्टा है और उसके रोके का है कि मतलब के रोके में उसने हमारी इस तरफ से ये वाला सूट डाला था, उसके बाद उसको चुनरी उधर से दूसरी चढ़ी थी, तो हमारे इधर ऐसा ही होता है। तो इस सूट के साथ आई थिंक ये दुपट्टा अच्छा लग रहा है ना, मैच हो रहा है बहुत अच्छे से, तो मैंने ये निकाल के यहाँ पे ये डाल लिया है, लेकिन है बहुत खुला ढुला सा, मतलब मुझे लग रहा है इसमें मैं बहुत ज्यादा एक और आ जाएगा, इसको अगर फिट करें तो सही रहेगा, लेकिन इस तरह से अगर इसको टाइट किया जाए तो हो सकता, जब हम लोग बचपन में थे ना तभी इतना टाइट नहीं था डालते, तब खुले खुले से डालते होते थे, तो अभी मुझे वही वाली फीलिंग आ रही है बचपन वाली। तो बाकी सब ने तो यहाँ पे जो है दोपहर की शाम की एक्चुअली चाय जो है वो पी ली थी, लेकिन मैंने नहीं थी पी, तो यहाँ पे मैं नहाने लगी थी सारे काम निपटा के, तो यहाँ पे अभी मैं जो है वो चाय पी रही हूँ। शाम को इस तरह से चाय पीना किस किस को अच्छा लगता है शाम के, स्पेशली 4 बजे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गांव में जब जाते हैं। तो अभी मैं करने लगी हूँ यहाँ पे डिनर की तैयारी, यहाँ पे आज मैं बनाने लगी हूँ कड़ाही पनीर, और उसके लिए मैंने एक कैप्सिकम लिया है, कुछ प्याज लिए हैं और उनको मैं छोटा छोटा कट कर दूँगी, और यहाँ पर मैंने कड़ाही चढ़ा दी है और देसी घी का तड़का लगाऊँगी इसमें, मैंने घी लगा दिया है, और यहाँ पर कुछ लहसुन की कलियां और कुछ छोटा छोटा प्याज जो है वो डाल दिया है मैंने, और हरी मिर्ची डाल दी है, और यहाँ पे मैं अदरक है वो भी कट करके इसमें डाल दूंगी, और साथ ही साथ अमरोज जो है वो भी मेरी पूरी साथ में हेल्प करवा रहा है, उसको ये है कि मम्मा अकेले में काम में लगी हुई हैं कि मैं उनकी हेल्प करवा दूँ, जैसे मुझे है ना कि मैं अपनी मम्मा की हेल्प करा दूँ, तो उसी तरह से इसको मेरा अकेले काम करना देखा नहीं जाता तो ये मेरी हेल्प करवाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से टमाटर भी साथ में डाल दिया है, हल्का सा उसमें नमक डाल दिया ताकि वो जल्दी से गल जाए, और दूसरी तरफ मैंने एक और फ्राई पैन चढ़ा दिया है, उसमें देसी घी डाल के उसमें मैंने डाल दिए हैं तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी और कुछ लौंग डाल दिए हैं, उनको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद कटी हुई हरी मिर्च मैं दूसरी कढ़ाही में डाल दूँगी और वो भी मेरी पक जाएगी, और उसके बाद मेरे कटे हुए यहाँ पे कैप्सिकम है और कुछ
प्याज बड़े साइज में कटे हुए हैं लंबे वाले, वो इसमें डाल दूंगी। और यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर जो है वो बिल्कुल ही मिक्सी में ग्राइंड कर लिए हैं, और उसका मैं इस फ्राई पैन में तड़का लगा दूंगी। दोनों साथ मेरे एक ही टाइम पे, दोनों कढ़ाई और मेरा फ्राई पैन जो है वो चल रहा है। यहाँ पे मेरा पानी मैंने कुछ ले लिया है, कुछ पानी जो है मैंने बड़े वाले बाउल में इसलिए निकाला है क्योंकि यहाँ पे मुझे हल्की सी ग्रेवी चाहिए, तो उसमें थोड़ा थोड़ा जितना मुझे लगेगा मैं वो डालती रहूँगी। और दूसरा, यहाँ पे मैं अभी जो सूखे मसाले होते हैं ना, जैसे कि लाल कश्मीरी मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, धनिया पाउडर हो गया, वो सारा मैं एक एक करके यहाँ पे डाल दूंगी। और लास्ट में मैंने नमक पहले भी हल्का सा डाला था और अभी मैंने प्रॉपर डाल दिया है जितना मुझे चाहिए। तो जो दूसरा मैंने बाउल पानी में रखा हुआ है वो यहीं पे, मतलब कि वो ये पनीर है, पनीर को धोने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से पनीर को धो के कट कर लूँगी। और यहाँ पे मेरा जो है ये मसाला है ये भी भुन चुका है, और इसको मैं कढ़ाई के अंदर यहाँ पे डाल दूंगी, अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इस फ्राई पैन में मैं अगेन घी का तड़का लगाऊंगी, घी को गर्म कर दूंगी, और उसमें मैंने ये कटे हुए जो है मेरे पनीर है उसको मैं फ्राई कर लूँगी। और उधर कढ़ाई में मेरी जो कढ़ाई पनीर है उसमें मैंने सोया सॉस एक चम्मच जो है वो डाल दिया है, और इधर मेरे जो पनीर हैं वो भी फ्राई हो गए हैं, और वो फ्राई हुए हुए पनीर जो है वो मैं कढ़ाई में डाल दूंगी, और बचे हुए जो पनीर है वो भी मैं फ्राई करने के लिए इस फ्राई पैन में डाल दूंगी। बस इसी तरह से मेरा जो है वो मैं कढ़ाई चलाती रहूंगी, और उधर मेरे जो पनीर हैं वो भी मेरे पक गए हैं, फ्राई हो गए हैं, उसको भी मैं मिक्स कर दूंगी इस कढ़ाई में, और उसके बाद मिक्स कर दूंगी अच्छे से, इसको मिला लूंगी, ढक दूंगी 2 मिनट के लिए, और उसके बाद जब उठा के देखूंगी, ये देखिए किस तरह से अच्छी सी स्मेल आ रही है और बन गया है। आई एम सो सॉरी, लाइट का थोड़ा सा चक्कर है यहाँ पे, रात को यहाँ पे एकदम से मतलब लाइट ज़्यादा इफेक्ट नहीं देती है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मैनेज कर लेना। ऊपर से डाल दिया मैंने कटा हुआ धनिया, और ये हमारा कढ़ाई पनीर जो है वो बन के रेडी हो गया है। चलिए आप लोग भी खा लीजिए, और यहाँ पे मैं कड़ा जो थाली है वो लगा लूँगी। गैरी आ गए हैं, तो अभी वो उसके पापा यानी कि मेरे पति देव जो हैं वो आ गए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं आने में, तो 9:30 से ऊपर टाइम हो रहा है, तो अभी अभी ये आए हैं। तो अभी हम लोग, मैं इनकी वजह से वेट कर रही थी, डिनर अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है, तो चलिए हम लोग इनके साथ डिनर करते हैं, और आप लोग भी हमें ज्वाइन कीजिए, और उसके बाद मुझे वापस जाना है अपने ससुराल। मन नहीं कर रहा लेकिन जाना पड़ेगा। ससुराल जाने की हो गई है हम लोगों की तैयारी, जो कि मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन ये जो पतिदेव है ये मान नहीं रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, तो यहाँ से फिर लेट हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, जो कि इनकी बात भी बिल्कुल सही है। तो ना चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ रहा है और मुझे जाना पड़ेगा, तो मन बहुत उदास हो रहा है, बट कुछ कर नहीं सकते। मान जाओ ना रहने को। आप लेट हो जाते फिर चले अम्मी, हम लोगों की पैकिंग हो गई है, चले अम्मी, चले बेटा, कहने जाना नहीं, कहने जाना नहीं। अभी जा रहे हैं मम्मा, कल जा जाओ। कल को जाओ, मामा बोल रहे हैं कल को जाना। आपका मन नहीं लगेगा? नहीं, अकेले रह जाओगे। हूँ पै जाओ, कल पांच चल जाओ, अपना 5:30 चल जाओ, जिसे चाह बना दूंगी। ठीक है, पांच जाओ। ओके बाय बाय, कर दियो पांच। मेरी दिल कि कालिया नक पारी दूर। सो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो
बस ये जो पल होता है ना घर से वापस जाने का, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मोमेंट, लेकिन क्या करें मजबूरी है। चलिए आप लोगों के लिए भी कल एक नया ब्लॉग लेकर आऊंगी, तब तक के लिए बाबा गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।